दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं OnePlus की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किए गए OnePlus Nord 2 का। और आज की वीडियो में आपको आउटर पैकेजिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है भाई, क्योंकि ये वाला जो स्मार्टफोन है मैंने OnePlus स्टोर से परचेस किया है। इंदौर में नया OnePlus स्टोर खुला है, तो मैं सोचा भाई कि Amazon का वेट कौन करेगा, OnePlus स्टोर से ही परचेस कर लेते हैं। तो ये वाला जो स्मार्टफोन है मैंने 8GB प्लस 128GB में परचेस किया है, क्योंकि 6 प्लस 128 वाला वेरिएंट अभी अवेलेबल नहीं है, 1.5 महीने के बाद में ये वाला वेरिएंट अवेलेबल होगा। तो मैं सोचा भाई 8GB प्लस 128GB परचेस कर लेते हैं। 29,999 रुपए प्राइस है। HDFC के कार्ड पर OnePlus स्टोर में भी मेरे को 1,000 रुपए का ऑफ मिला है, तो इफेक्टिवली 28,999 का ये फोन मिला है। कल रात को 9 बजे के आसपास मैंने इसको परचेस किया था, उसके बाद से मैं इसको यूज कर रहा हूं। तकरीबन आप ये मान लो कि 10 घंटे के आसपास मैंने इस स्मार्टफोन को यूज किया है, तो इंटेंस यूज तो मैंने नहीं किया है भाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा सारी चीजों को मैंने टेस्ट किया है यहां पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी फोन की अनबॉक्सिंग एंड मेरे इनिशियल इंप्रेशन इस फोन के साथ में कैसे रहे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, और सबसे पहले डब्बा खोल नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि OnePlus वालों ने पहले से डब्बा खोल के दिया है। OnePlus वालों की पता नहीं पॉलिसी है भाई कि अनबॉक्सिंग का मजा तो हम ही लेंगे, आपको नहीं लेने देंगे, तो ठीक है भाई तुम भी थोड़ा मजा लूट लो। यहां पर खुला हुआ डब्बा है, तो मैं सबसे पहले आपको बॉक्स कंटेंट के बारे में बता देता हूं। सबसे ऊपर आपको फोन रखा हुआ मिल जाता है, इसको साइड में रखते हैं। उसी के नीचे एक और कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आपको सॉफ्ट सिलिकॉन केस दिया गया है। उसी के अलावा कुछ पेपर वर्क यहां पर आपको मिल जाते हैं। उसी के अलावा अगर बात करें तो सिम इजेक्टर टूल दिया गया है, और नीचे की तरफ की अगर बात करें तो यहां पर आपको एक 65 वॉट का वॉब चार्जर दिया गया है, और OnePlus की सिग्नेचर रेड केबल यहां पर दी गई है, जो कि एक टाइप ए टू टाइप सी केबल है। तो ये सारे बॉक्स कंटेंट है भाई, इन सभी को साइड में रख देते हैं और अब बात कर लेते हैं फोन के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। एक बार देखो भाई डिजाइन देखो आप, और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहां पर आपको फुल ग्लास बिल्ड दिया गया है। ग्लास फ्रंट है, ग्लास बैक है, दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। हालांकि यहां पर जो फ्रेम दी गई है ये प्लास्टिक का फ्रेम है, और OnePlus 9 में भी प्लास्टिक फ्रेम दी, यहां पर भी आपको प्लास्टिक फ्रेम दी गई है, तो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है। ये जो कैमरा बम्प दिया गया है भाई, यहां पर आपको साइड में एल्यूमिनियम की कलाकारी देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है भाई, एंड डिजाइन की अगर बात करें तो एकदम सोबर सा फोन है भाई। ये जो ब्लैक कलर है ये मैट फिनिश में आता है, जो ब्लू कलर आता है वो आपको ग्लॉसी फिनिश में मिलता है, और उस पर फिंगरप्रिंट पड़ते हैं लेकिन दिखते नहीं है। ये मैंने स्टोर पे एक्सपीरियंस किया था, लेकिन फिर मेरे को भाई ये वाला मैट कलर पसंद आया, तो मैंने सोचा कि ग्रे मैट कलर अपन परचेस कर लेते हैं। ओवरऑल दिखने में फोन काफी तगड़ा है, बिल्ड क्वालिटी भी यहां पर आपको काफी तगड़ी दी गई है। अब फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो यहां पर नीचे की तरफ आपको मिलता है एक सिम ट्रे, जहां पर आपको डुअल सिम लगाने का ऑप्शन मिलता है। यहां पर आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं, एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन यहां पर आपको नहीं मिलता है। उसी के साथ में यहां पर आपको स्पीकर्स दिए गए हैं, उसी के अलावा टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एंड प्राइमरी माइक यहां पर आपको मिल जाता है। राइट साइड की अगर बात करें तो पावर लॉक अनलॉक बटन मिलता है, उसी के अलावा अलर्ट स्लाइडर, जी हाँ अलर्ट स्लाइडर इस फोन के अंदर वापस कर दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। ऊपर की तरफ बात करें तो यहां पर आपको सेकेंडरी माइक दिया गया है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, एंड लेफ्ट साइड में यहां पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। बैक में देखेंगे तो आप यहां पर कैमरा कटआउट आपको दिया गया है। ओवरऑल दिखने में फोन काफी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, एंड कलर्स भी यहां पर आपको काफी अच्छे दिए गए हैं। आगे चलते भाई बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहां पर आपको 6.43 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि फ्लूइड एमोलेड पैनल के साथ में आता है। फुल एचडी प्लस का यहां पर आपको रिजोल्यूशन मिलता है, एंड 90 हर्ट्ज का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो डिस्प्ले जो है ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा आपको OnePlus Nord CE के अंदर दिया गया था। OnePlus Nord के अंदर भी भाई 90 हर्ट्ज का पैनल था, तो यहां पर अगर 120 हर्ट्ज कर देते तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्ले दिया गया है अच्छा है। अब देखा जाए भाई तो iQOO 7 में 120 हर्ट्ज है, Mi 11 X में 120 हर्ट्ज है, Realme X7 के अंदर 120 हर्ट्ज है, और साथ ही में Poco F3 GT उसमें भी 120 हर्ट्ज है। तो यहां पर रिफ्रेश रेट के मामले में ये फोन थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है भाई, इंडोर में अगर बात करें तो कलर्स वगैरह काफी अच्छे हैं, ब्राइटनेस काफी अच्छी है, आपको इंडोर में कोई भी समस्या नहीं आती है। एंड आउटडोर की भी अगर बात करें तो भाई अभी क्लाउडी सीजन है, थोड़ा सा भाई धूप वगैरह निकल नहीं रही है, तो अभी तो मेरे को कोई समस्या नहीं आई भाई इसको आउटडोर यूज करने में। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट सनलाइट में जब बहुत ज्यादा धूप होगी तो वहां पर आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लग सकती है, अदरवाइज डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको काफी अच्छी दी गई है। रिफ्रेश रेट की बात करें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और काफी स्मूथ फील होता है भाई, यहां पर आपको कोई जिटरीनेस देखने के लिए नहीं मिलती है, जो OnePlus Nord CE के अंदर हमको देखने के लिए मिली थी।
वो प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। काफी स्मूथ डिस्प्ले यहां पर दिया गया है एंड साथ ही साथ बात करें तो यहां पर आपको HDR 10 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है और वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन यहां पर आपको मिलता है। तो Amazon Prime Video पर Netflix पर आप HD में कंटेंट देख सकते हैं एंड YouTube पर आप HDR कंटेंट प्ले कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है भाई, मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को अभी तक काफी अच्छी लगी है। बहुत ज्यादा यूज मैंने इसका किया नहीं है लेकिन फिर भी अभी तक जो कलर्स वगैरह यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं थोड़े से शार्प हैं, पंची कलर्स हैं, काफी बढ़िया लगता है भाई डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। आगे चलते भाई परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस फोन के अंदर शक्ति मिलती है आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 AI चिपसेट की, जो कि एक कस्टम चिपसेट है। थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं एंड इस फोन के अंदर मैंने एंटीटू टेस्ट रन किया, गीकबेंच रन किया, CPU थ्रॉटल टेस्ट किया एंड BGMI खेल के देखा। बाकी डे टू डे तो मैं यूज कर ही रहा हूं। देखो भाई डे टू डे में तो मेरे को कोई भी समस्या नहीं आई, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है। बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको डे टू डे में मिल जाती है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। BGMI की अगर बात करें तो आधे घंटे के आसपास मैंने गेम प्ले करके देखा, गेम प्ले काफी स्मूथ था, मेरे को कोई भी लैग्स देखने के लिए नहीं मिले, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए नहीं मिले, प्लस कोई भी हीटिंग का इशू यहां पर मेरे को देखने के लिए नहीं मिला। आधे घंटे की गेम प्ले के बाद में भी ऐसा नहीं लगा भाई कि फोन बहुत ज्यादा गर्म होने लगा है। तो यहां पर जो थर्मल मैनेजमेंट है वो भी काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में एंटीटू स्कोर्स की अगर बात करें तो एंटीटू टेस्ट मैंने इसमें रन किया, 5,92,127 पॉइंट्स आते हैं, लगभग 6,00,000 के आसपास पॉइंट निकाल के लेके आता है। तो काफी तगड़ा यहां पर एंटीटू स्कोर आपको मिल जाता है। उसी के अलावा गीकबेंच स्कोर्स की बात करें तो 816 पॉइंट सिंगल कोर में मिले हैं एंड 2,747 पॉइंट्स आपको मल्टी कोर में मिलते हैं। तो CPU परफॉर्मेंस भी यहां पर आपको काफी अच्छी मिल रही है, प्लस CPU थ्रॉटल टेस्ट मैंने यहां पर करके देखा और स्क्रीन पर आप देख सकते हो भाई ये वाला जो CPU है काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको निकाल करके देता है। 86% के आसपास परफॉर्मेंस यहां पर निकाल के देता है, 86% मैक्स परफॉर्मेंस पर थ्रॉटल होता है। तो यहां पर भाई परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, डे टू डे की परफॉर्मेंस बढ़िया आपको मिल जाएगी, गेमिंग आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। साथ ही में यहां पर आपको LPDDR 4X रैम दी गई है और UFS 3.1 वाला स्टोरेज दिया गया है। तो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम जो है वो भी यहां पर काफी अच्छा है, काफी भाई प्रॉम्प्ट है, फटाक से एप्लीकेशन खुलती है, तो यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें परफॉर्मेंस में अभी तक मेरे को कुछ भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। कैमरास की अगर बात करें भाई तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सोनी IMX766 सेंसर के साथ में, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा दिया गया है एंड फ्रंट में यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब इसके कैमरा को मैंने इनडेप्थ टेस्ट तो नहीं किया है अभी, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आप इमेजेस देख सकते हो भाई, थोड़ी बहुत मैंने इमेजेस कैप्चर करी है। यहां पर आपको डायनेमिक रेंज अच्छी मिल रही है, कलर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, नेचुरल कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की भी बात करें तो अल्ट्रा वाइड से भी काफी अच्छी इमेजेस निकल के आ रही है एंड मैक्रो कैमरा इस फोन के अंदर आपको नहीं मिलता है, लेकिन इन इमेजेस को आप देखोगे ये आपको मैक्रो की तरह ही लगेगी, क्योंकि ये जो इमेजेस हैं ये मैंने 5x जूम करके ली है और डिटेल्स आप देख सकते हो भाई कितनी तगड़ी डिटेल्स यहां पर मिलती है। तो रियर कैमरा जो है काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ यहां पर आपको OIS भी मिल जाता है एंड OIS मैंने टेस्ट करके देखा काफी स्टेबल वीडियोस बनते हैं, तो वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आती है। हाँ, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से जब आप वीडियो बनाएंगे तो मैक्सिमम 1080p में आप 30fps पर बना सकते हैं, 60fps का वीडियो जो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से आप नहीं बना सकते हैं, प्राइमरी लेंस से आप 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में अगर बात करें तो यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और सेल्फीज आप देख सकते हो भाई, स्किन टोन नेचुरल आपको मिलता है, कलर्स भी काफी अच्छे मिलते हैं एंड पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो बैकग्राउंड ब्लर भी आप देख सकते हो काफी अच्छे से हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो इनिशियल इंप्रेशन है कैमरा के वो काफी अच्छे हैं, इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे को इस फोन का कैमरा काफी पसंद आया, नेचुरल स्किन टोन्स के साथ में इमेजेस प्रोड्यूस करता है और वीडियो क्वालिटी भी यहां पर आपको काफी अच्छी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से यहां पर कैमरा मॉड्यूल में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। फर्स्ट इंप्रेशन में तो भाई अच्छा काम कर रहा है कैमरा, जैसे वन प्लस के आउटपुट आते हैं भाई नेचुरल वाले, वैसे ही यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ज्यादा पंची कलर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन कैमरा आउटपुट आपको इस फोन के पसंद आएंगे भाई। आगे चलते भाई बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो इस फोन के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 65 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है और 65 वाट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। इस फोन को 0 से लेके 100% तक चार्ज करने की मैंने कोशिश करी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई। 30 मिनट में ये वाला जो स्मार्टफोन है 0 से लेके 99% चार्ज हो गया था, 100% मैं नहीं कर पाया था लेकिन भाई 30 मिनट के आसपास लगे थे 99% आने में, तो 100% होने में आप 32-33 मिनट मान के चलो। और बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप के बारे में अभी मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने इसको यूज नहीं किया है,
थोड़े दिन में मैं आपको इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट जरूर से दिखा दूंगा, जहां पर आपको पता पड़ जाएगा भाई कि इसकी बैटरी एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करती है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे की तरफ देखो, लाल बटन दिखेगा, उसको प्यार से क्लिक करो, ग्रे कर दो और घंटे का आइकॉन जरूर से दबा देना और ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाएंगे। बैटरी मॉड्यूल की बात करें तो बैटरी मॉड्यूल काफी इंप्रेसिव यहां पर दिया गया है। स्पेशली चार्जिंग जो है, लिटरली 32-33 मिनट में आपका फोन 0 से लेकर 100% चार्ज हो जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। इसके बाद में अगर बात करें यहां पर सेंसर्स की, तो यहां पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि परफेक्ट काम करता है, कोई शिकायत आपको उसमें नहीं आती है। हाँ, नॉट द फास्टेस्ट है, लेकिन अच्छा काम करता है, एक्यूरेट काम करता है। फेस अनलॉक की अगर बात करें तो फेस अनलॉक भी यहां पर आपका अच्छे से काम करता है, उसमें भी आपको कोई शिकायत नहीं आती है। बाकी सारे सेंसर्स की बात करें तो बैरोमीटर को छोड़ करके यहां पर आप देख सकते हो सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं एंड सारे सेंसर्स ऑलमोस्ट हर टाइम पे काम करते हैं, तो सेंसर में भी आपको कोई कमी देखने के लिए यहां पर नहीं मिलती है। 5G बैंड्स की अगर बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 6 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। जी हां, तो ये वाला जो फोन है, कहने के लिए 5G नहीं है, एक्चुअल में 5G फोन है भाई, 6 बैंड्स का यहां पर सपोर्ट दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इस बात के लिए OnePlus के लिए थम्स अप बनता है भाई। इसके बाद में स्पीकर्स की अगर बात करें तो स्पीकर्स की तो आवाज मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं और स्पीकर्स काफी पसंद आए मेरे को, तो एक बार एक आवाज सुन लो आप, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो भाई इस फोन की जो स्पीकर क्वालिटी है वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई भाई। यहां पर जो साउंड आता है वो लाउड भी है और क्लियर भी है, तो भाई ऑडियो क्वालिटी मेरे को इस फोन की काफी पसंद आई। लेकिन एक चीज जो नहीं पसंद आई है वो है 3.5mm के खड्डे की अनुपस्थिति। जी हाँ, इस फोन के अंदर आपको 3.5mm जैक नहीं दिया गया है। तो अगर यहां पर अगर आपको हेडफोन लगाना है तो या तो टाइप सी वाला लगा लो या फिर ब्लूटूथ हेडफोन आपको लगाने पड़ेंगे। ब्लूटूथ वाला टेस्ट मैंने अभी तक किया नहीं है, तो मैं उसके बारे में आपको अभी कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। इसके बाद बात करें ओएस की, तो यहां पर आपको ऑक्सीजन ओएस 11.3 दिया गया है, जिसका बेस जो है, जो कोड बेस है, वो कलर ओएस का कोड बेस है। और यहां पर आपको एक्सपीरियंस जो मिलता है वही ऑक्सीजन ओएस वाला मिलता है भाई। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होने लग गया था भाई कि अगर कोड बेस कलर ओएस का है तो क्या हमारा वो एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा जो ऑक्सीजन ओएस के साथ में मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक्चुअल ऑक्सीजन ओएस वाला एक्सपीरियंस ही यहां पर आपको मिलने वाला है, कोई भी कलर ओएस वाली फंकी चीजें यहां पर आपको नहीं मिलेगी। क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस यहां पर आपको मिलता है, ब्लोटवेयर्स भी नहीं है, एड्स भी नहीं है, एक्सपीरियंस काफी अच्छा है एंड यूआई लैग्स वगैरह भी अभी तक तो मेरे को देखने के लिए नहीं मिले हैं। ओवरऑल यूआई में भी मेरे को कोई शिकायत नहीं आई है, बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है भाई। हाँ भाई, तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो अभी जो मैंने 10-12 घंटे इस स्मार्टफोन को यूज किया है, तो 10-12 घंटे में मेरे को जो एक कमी लगी, एकमात्र कमी, वो लगी है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और ये भी कोई कमी नहीं है भाई, ये मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ भाई कि यहाँ पर अगर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले दे दिया जाता तो और ज्यादा बेटर रहता, लेकिन 90 हर्ट्ज का पैनल दिया गया है। बाकी परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आती है, डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है, कैमरा काफी अच्छा मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग काफी तगड़ी है, आधे घंटे में आपका फोन पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, सेंसर्स वगैरह सारे मिल जाते हैं, ऑक्सीजन ओएस का एक्सपीरियंस यहां पर आपको मिल रहा है, अलर्ट स्लाइडर भी दे दिया गया है एंड बिल्ड क्वालिटी तो चुम्बेश्वरी यहां पर आपको मिलती है, डिजाइन काफी तगड़ा मिलता है। तो ओवरऑल जो मेरे पहले इंप्रेशन रहे हैं वो तो काफी तगड़े रहे भाई, इस फोन ने डेफिनेटली मेरे को इंप्रेस किया है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा फोन है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि फर्स्ट इंप्रेशन आपको कैसे लगे, अपनी राय कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। आगे कौन कौन से टेस्ट देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बता देना, मन में आपके कोई विचार है तो वो भी कमेंट करके बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।